देशवासी इसको पहुंचाने का काम की। आज साथियों हमारे सैन्य समाज की बच्ची का सवाल है, कल किसी दूसरे समाज का बेटी बहन का सवाल हो सकता है। क्या बलात्कार समाज के लिए अच्छा बात है? क्या बलात्कार समाज के लिए उचित है? किसी का भी माँ बहन का इज्जत दुखाएगा साथियों पक्का जान लीजिए, वो मुंडी काट लेगा, गोली मार देगा, बम फेंक देगा, गांव में आग लगा देगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में बालदाढ़ी का सफाई करने वाला, लोगों का मान मर्यादा इज्जत रखने वाला, समाज में शादी में ब्याह में मरने में जीनी में छठियार में गिरिवास में हर जगह समाज के साथ काम करने वाला, ये जो सैन्य समाज नाई समाज कितना गरीब है, कितना ईमानदार है, कितना प्रेम से समाज की सेवा करता है। लेकिन माँ बहन बेटी का इसका इज्जत सुरक्षित नहीं है, ये उदाहरण आपके सामने है। बेटी अंकिता का हत्या और बलात्कार कांड के समक्ष जो है हम ये निवेदन करना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान का नाई समाज बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही निंदनीय प्रस्ताव दे रहा है। हम भी गया से धरना करके ही आए हैं दिल्ली में और आज दिल्ली जंतर मंतर से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं, जिस पार्टी का वहाँ राज है कांग्रेस पार्टी का, उसके मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी से राहुल गांधी से प्रार्थना करते हैं, राहुल भैया नाई समाज बड़ा सीधा साधा समाज है, इसके समाज में जो महापुरुष पैदा हुए ना कोई चोर था ना बलात्कार था ना गुंडागर्दी था ना घुसखोर था ना दरोबाज था। साथियों कर्पूरी ठाकुर हमारे आदर्श हैं, हमने 3 बार बिहार में राज किया, मुख्यमंत्री बना सरकार चलाया, किसी से कुछ नहीं लिया, सबको केवल दिया और एक ही नारा व्यक्त किया, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस। क्या सामाजिक न्याय का नारा देने वाला परिवार का ये हालत है कि 7 बरस और 8 बरस के बेटी को जबरदस्ती बलात्कार करके जान मार दे और ले जाकर के उसको खेत में गाड़ दे। अब एक लौंडा को गिरफ्तार करके कहे कि ये तो बच्चा था। साहब हम लोग भी कानून समझते हैं, हम लोग भी दिन रात समाज का जो दाई कुड़ाई करके ये महसूस करते हैं कि हमारा समाज कमजोर है। कमजोर होने का कारण है कि हम सेवा करना चाहते हैं, लड़ाई करना नहीं चाहते। जिस दिन हमारा समाज का खोपड़ी उल्टा हो गया, दाढ़ी बनाते वक्त लाखों करोड़ों का मुड़ी काट सकता है, लाखों करोड़ों को कैंची फेंक सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय की हम लोग पुजारी हैं, ऐसा करना हम लोग व्यर्थ समझते हैं, ऐसा करना समाज के खिलाफ समझते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री जी से और महिला आयोग के अध्यक्ष से, सारे बड़े नेताओं से, जो कि दिल्ली से बड़ा कोई हमारा स्थान नहीं है, जंतर मंतर से बड़ा कोई स्थल नहीं है जहां हम अपनी बात रख सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं समाज के लोगों से, राष्ट्रीय नेताओं से, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से, मुझे सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और CBI जांच की बात होती है। साथियों इतना बड़ा विभत्स कांड हुआ है, बलात्कार और हत्याकांड हुआ 7 बरस 8 बरस की बच्चे के साथ, तो मैं निवेदन करता हूँ इसका CBI जांच कराया जाए और सच्चाई पता लगाया जाए साथियों, और हिंदुस्तान के नाई समाज से समाज को न्याय दिया जाए। अगर नहीं न्याय देंगे तो निश्चित है विरोध होगा। आपको हम भगवान से ये मनाएंगे कि अगर आप हमारा ध्यान नहीं देंगे तो आपको भी नाश हो जाए, आपका भी समाज का इज्जत टूटा जाए, आपका भी बर्बादी हो जाए। हम दुखित है, बेटी के साथ हुआ है, इसलिए मैं ऐसा बात कर रहा हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारा मदद करें और CBI से जांच करा के अंकिता के साथ इंसाफ करें, उसके माँ बाप को सुरक्षा दें, कानूनी तौर पर जो मुआवजा है उसको मुआवजा प्रदान करें, तभी हम समझेंगे कि सामाजिक न्याय इस देश में जिंदा है।